सभी स्वस्थ हो, सभी का कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ हमने इस आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ परंपरागत तरीके से आदिदेव धन्वंतरि के समक्ष। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री दिनेश कटिक जी, माननीय, यहां मेरठ की धरती है, भारत के इतिहास की धरती, महाभारत की रचनाकार वाली धरती, यही मेरठ से कुछ ही दूरी पर हस्तिनापुर है जिसने महाभारत की नींव रखी थी और एक नए इतिहास का सृजन किया था, आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर दी थी, जिसने इस घोषणा भी की थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी है वह इस ग्रंथ में है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है, वह घोष करने वाली धरती है। देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर का उद्घोष करने वाली क्रांति धारा है, तो यहां के अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ की धारा भी ये मेरठ है। मैं आपके आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, हमारे लिए यह अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पिछले 9 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगा करके पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सबको लेकर के मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया, कोई प्रांत, कोई जनपद, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं होता है जो योग की क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में न जुड़ता हो। भारत की इस परंपरा के साथ दुनिया को जोड़ने और उसी प्रकार से आयुर्वेद को दुनिया के अंदर स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। इतनी बड़ी संख्या में आयुर्वेद के विशेषज्ञ एक साथ एक मंच पर आकर के आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें, यह हम सब के लिए आह्लादित करने वाला क्षण है। मेरे सामने जब यह प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि मैं 4 वर्ष पहले इस सम्मेलन में कानपुर में उपस्थित हुआ ही था, सामने रखी तो मैंने कहा देखो इसमें सबसे उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई आगे बढ़ेंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज इस आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों को प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है, और इसलिए मैं इस आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर क्रांतिधारा मेरठ में भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की धरा पर मैं इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपके प्रेरणादायक अनुमोदन से हमें अनुग्रहित करें। सभी को मेरा नमस्कार। भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में पहली राजकीय यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत यादगार कर दिया है। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मेरे बारे में कहा तो शुरुआत की, कृषक पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हेलीकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उतरवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आयोजन का चुनाव किया ये आप सब जानते हैं कि विश्व में डंका भारत का बजेगा तो इसी सांस्कृतिक विरासत की वजह से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है और मुख्यमंत्री जी भी लगा रहे हैं।
उनकी इतना देश है, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश कटिक जी और राज्यसभा का सभापति होने के नाते सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। और मैंने बड़ी कोशिश की है किसी का नाम न छूट जाए। वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी से नाता है पर आयुर्वेद से चौथी पीढ़ी का नाता है। एंड ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस, द हाउस ऑफ एल्डर्स। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से भी पुराना नाता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री विजय पाल सिंह जी तोमर, श्री कांता कदम जी मंच पर, आचार्य बालकृष्ण जी, कुछ वर्षों पहले राज्यपाल बनने से पहले हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में युवा काल में अमृत काल में, और मेरे सामने जो युवा शक्ति है दे आर दी वॉरियर्स ऑफ 2047। आप लोग देख रहे होंगे भारत 2047 में क्या होगा,